दोस्तों आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में केवल कुछ ही महीनों का समय रह गया है। सभी फैंस बेसब्री से अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए काफी टाइम से बेताब हैं। और खास बात यह है कि अभी तक तो ये लग रहा है कि इंडिया के अंदर ही होने वाला है इस बार का आईपीएल। खैर मेगा ऑक्शन की डेट्स भी ऑलमोस्ट निकल के आ चुकी है, 5-6 फरवरी को वो होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अभी काफी सारी अपडेट्स निकल के आ रही है। बात करेंगे आज हम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर की ढेरों अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी फैंस के लिए पल पल की ढेरों खबरें, ब्रेकिंग अपडेट्स, चाहे वो एसआरके से रिलेटेड हो, चाहे वो केकेआर से रिलेटेड हो, किसी इंटरव्यू से रिलेटेड हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आती है तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे है। खैर ये वीडियो बहुत मजेदार होगी तो स्किप मत करना, लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के सीजन के लिए मैनेजमेंट के अंदर कुछ यहां बदलाव करना चाहती है, जिसके अंदर वो हेड कोच के नाम पर एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है जो हम बता चुके हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर को क्या एक इंडियन कोच रखना चाहिए या क्या एक ओवरसीज कोच रखना चाहिए। खैर टॉप अपडेट्स की अगर हम बात करें तो पहली अपडेट निकल के आ रही है विकेट कीपर को लेकर। तो यहां दोस्तों साल 2022 के सीजन में विकेट कीपर एक बहुत बड़ी समस्या टीम केकेआर के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि अभी जो भी विकेट कीपर यहां बचे हुए हैं वो सभी बड़े नाम है। जैसा कि आप मान सकते हो कि यहां पर जो हमारे दिनेश कार्तिक है, सबसे पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। दिनेश कार्तिक काफी समय से केकेआर के कप्तान रह चुके हैं, इसके बाद कप्तानी छोड़ने के बाद कीपर भी रह चुके हैं, बट ना वो कीपिंग से ना ही अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा इंप्रेस किसी को कर पाए हैं। तो अब दोस्तों उनकी एज भी हो रही है और मेगा ऑक्शन में जिसको भी टीम लेगी वो एक यंगस्टर होगा, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और शायद ही दिनेश कार्तिक 3 साल खेल पाए। इसके अलावा ईशन किशन जो है यहां पर दोस्तों उनका काफी ज्यादा पर्स मनी चली जाएगी। इसके अलावा रॉबिन उत्पा है, उनको वो शायद ही लें। तो यहां दोस्तों एक समस्या की बात है कि दिनेश कार्तिक के अलावा किसको वो ले सकते हैं। खैर निखिल नायक और शेल्डन जैक्सन को कंसिडर किया जा सकता है, बट वो एक सेकंड चॉइस होंगे। प्राइमरी जो कीपर होगा वो पता नहीं कौन होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपके अकॉर्डिंग आईपीएल साल 2022 के अंदर केकेआर टीम का यहां पर विकेट कीपर कौन होना चाहिए। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है मेगा ऑक्शन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि यहां पर सबसे पहले जनवरी के अंदर होने वाला था, फिर यहां पर अब फरवरी के अंदर शिफ्ट हो चुका है मेगा ऑक्शन। तो फरवरी की अगर डेट्स की बात करें तो ये पहले वीक के अंदर हुआ है, डेट्स अभी भी कंफर्म नहीं है, 5 और 6 तारीख कही जा रही है। बट यहां केकेआर अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर चुका है और फाइनलाइज करने वाला है बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग। इसके अंदर दोस्तों यहां पर खास बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला है 5 खिलाड़ियों के लिए, और इन 5 खिलाड़ियों से पहले ही ये मेगा ऑक्शन से पहले इनको ले लेगा। अब कैसे लेगा और क्या करके लेगा ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी जैसे ही अपडेट्स निकल के आएंगी। तो दोस्तों ये थी केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।